नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला बैंकर समन्वय समिति की बैठक की, जिसमें सभी बैंकों को जमा के अनुपात में ऋण वितरण प्रतिशत को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला में प्राथमिक उद्योग को बढ़ावा देने हेतु ऋण वितरण राशि 552 करोड़ के विरुद्ध सितंबर 2019 तक 346 करोड़ रेट का वितरण विभिन्न बैंकों द्वारा किया गया है। सभी बैंकों को कहा गया है कि जिले के सभी किसानों और छोटे उद्यमियों और प्राथमिक उद्योगों से संबंधित ऋण के आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करते हुए निर्धारित लक्ष्य से आगे जाकर लाभुकों को लाभान्वित करें। उपायुक्त ने बताया कि जमा के विरुद्ध ऋण वितरण निर्धारित लक्ष्य का 44% से ऊपर है, जिसको बढ़ाते हुए 45% से ऊपर ले जाने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में संचालित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 72% ऋण का वितरण दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित 45 व्यक्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 55 व्यक्तियों को उपलब्ध करवाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इस महीने में 20 व्यक्तियों को रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिले की भौगोलिक स्थिति और प्रखंड अनुसार किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि संचालित की जा सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए विस्तार से चर्चा के बाद पिछले वार्षिक लक्ष्य 552 करोड़ को बढ़ाते हुए आने वाले साल के लिए 928 करोड़ ऋण वितरण प्राथमिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है। जिले में प्राथमिक उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वितरित ऋण प्रतिशत के अनुसार इस वर्ष विभिन्न बैंकों द्वारा 700 करोड़ का ऋण वितरण करने का अनुमान है। बैठक में सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि जिले के दुर्गम क्षेत्रों जैसे गुदड़ी लुढ़ाई में बैंक शाखा खोलने की कार्रवाई करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स का बैठक TLCC का बैठक आयोजित किया गया है। सभी बैंक के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, DDM नाबार्ड और RBI के प्रतिनिधि के समक्ष आज मीटिंग हुआ है। तो काफ़ी मैं मानता हूँ कि एंकरेजिंग न्यूज़ है जिला के लिए कि सितंबर क्वार्टर तक, यानी पहले दो क्वार्टर्स के बाद जो टारगेट था हम लोगों का, एनुअल टारगेट 552 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर हो या छोटे मोटे उद्योग हो, वैसे प्रायोरिटी सेक्टर में जो क्रेडिट यानी लोन देने का जो हम लोगों का टारगेट है वो 552 करोड़ था। तो सितंबर तक हम लोगों का अचीवमेंट 346 करोड़ था, यानी आधा ही साल में हम लोग 63% अचीव कर चुके हैं। अभी दिसंबर तक का फिगर अभी SLBC के माध्यम से, जो कोर बैंकिंग सिस्टम का जो नेटवर्क है, उसके माध्यम से रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होने वाली है। लेकिन अंदाज से भी अगर देखेंगे तो दिसंबर तक ही हम लोग उस टारगेट को अचीव कर लिए हैं। तो इस क्वार्टर में भी मैंने सभी बैंकर से अनुरोध किया कि कोई टारगेट एक हम लोगों को एक गाइडलाइन है, लेकिन ऐसा नहीं कि टारगेट के एक्स्ट्रा में आप लोग नहीं दे सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे किसान हो, चाहे छोटे मोटे उद्यमी हो या कोई अदर प्रायोरिटी सेक्टर में अगर लोन मांगता है तो उन लोगों को लोन दिया जाए। तो अभी हम लोगों को सूचना ये मिली है कि CD रेशियो, जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जो एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक अच्छा मानक माना जाता है, तो उसमें भी हम लोगों का 44% था, जो 40% वो हेल्थी माना जाता है। तो इस जिला में सभी बैंक्स का अद्यतन स्थिति ये है कि 44% से ऊपर अभी CD रेशियो है। मैंने सभी बैंकर से अनुरोध किया कि इसको 45% से ऊपर इस जिला के लिए ले जाएं। खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा है, उसका अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर देखेंगे तो वो 72% है, यानी 100 रुपया उनके बैंक में अगर डिपॉजिट होता है तो 72 रुपया वो लोन दे रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को लोन भी देने की जरूरत है, तभी वो ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे और दूसरे लोगों को रोजगारी क्रिएट कर पाएंगे। उपायुक्त ने जानकारी दी कि नाबार्ड के द्वारा भारत सरकार के विजन डिजिटल इंडिया के तहत झारखंड राज्य के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को टैब उपलब्ध करवाने की तैयारी है।
इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला का भी चयन किया गया है। जिले की 1000 स्वयं सहायता समूहों को टैब दिया जाएगा। इस टैब के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैठक की पंजी संधारण, आर्थिक गतिविधि से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटल पंजी स्थानीय भाषा में संपादित कर सकेंगे। के द्वारा भारत सरकार के विजन के अनुसार अभी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत झारखंड के भी कई सारे जिलाओं में जो भी एसएचजी ग्रुप हम लोगों का काम कर रहे हैं उनको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से सभी को एक टैबलेट उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू होने वाली है। कई जिला झारखंड के फर्स्ट फेज में शामिल हुए थे, अभी सेकंड फेज में 6 और अन्य नया जिला को ऐड किया गया है। खुशी की बात है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला भी इसमें सेकंड फेज में ऐड हो गया है। तो ई शक्ति अभियान के तहत यहाँ 1000 एसएचजी ग्रुप्स को टैबलेट दिया जाएगा। इस टैबलेट में सभी सॉफ्टवेयर ऐसा रहेगा कि जो भी पंजी का संधारण करते हैं, चाहे बैठकों का हो या इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, इस सब का जो भी पंजी होंगे वो सभी पंजी डिजिटल माध्यम से लोकल भाषा में उनके पास मोबाइल फोन में रहेगा। तो मैं मानता हूँ काफ़ी फायदा होगा। और अभी हम लोगों की संख्या अगर देखेंगे तो 10,000 से ऊपर एसएचजी इस जिला में है। तो ये शुरुआत के दौर पर सिर्फ 1000 ही होगा, लेकिन उम्मीद यही होगा कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे सभी एसएचजी डिजिटल माध्यम से टैब के माध्यम से अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, ताकि इश्यूज ये कभी नहीं आएगा कि कोई सभी के पास नहीं उपलब्ध रहता है या कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, इस तरह का शिकायत भी नहीं आता है। और एक डिजिटल एजुकेशन भी सभी एसएचजी के दीदियों को मिलेगा। तो नाबार्ड काफ़ी अच्छा इसमें इनिशिएटिव लिया है और कार्य भी कर रहे हैं और उम्मीद भी करेंगे कि अप्रैल माह से इन लोगों को टैब देने का भी कार्य शुरू हो जाएगा। पलामू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ जज द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की घटना के विरोध में जिला बार एसोसिएशन चैबासा के अधिवक्ता एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण सभी तरह के न्यायिक कार्य पूरी तरह से बंद रहा। घटना के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल के कारण जमीन रजिस्ट्री एग्रीमेंट सहित सभी कार्य ठप रहा। गौरतलब है कि पलामू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएन तिवारी के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार के द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड बार काउंसिल ने संज्ञान लिया, इसकी निंदा करते हुए विरोध करने का निर्णय लिया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवा तालाब प्रांगण स्थित शिवालय मंदिर के पास शिव बारात मार्ग की सफाई को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम गुप्ता ने नगर परिषद चैबासा के कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में 21 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि के पूर्व मंदिर के आसपास और मार्ग की सफाई करने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम विधायक को मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे पत्र में निबंधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराते हुए यथाशीघ्र सोसाइटी गठन करने की मांग की है। विधायक को सौंपे पत्र में कहा है कि राज्य में 5000 प्रज्ञा केंद्र के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी कार्य 13 वर्षों से करते आ रहे हैं। पंचायत सचिवालय में बिजली, इंटरनेट, टेबल कुर्सी और सुरक्षा अभाव के कारण संचालक सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। प्रज्ञा केंद्र संचालकों का भुगतान सीधा बैंक में हो न कि किसी निजी कंपनी के माध्यम से किया जाए। 2 वर्ष से आधार का काम बंद कर दिया गया है, जिसके कारण कमीशन का भुगतान नहीं हो रहा है। पत्र में लंबित बकाया भुगतान अविलंब करने, बंद पड़े मशीन को पुनः शुरू करने की मांग की है। महिला कॉलेज के बीएड विभाग में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बीएड विभाग के क्रियाकलापों को दर्शाया गया। इसके जरिए अभिभावकों को इस बात की जानकारी दी गई कि छात्राओं को शिक्षण के साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों में भी भाग लेने का मौका दिया जाता है। छात्राएं समय समय पर समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी करती है। वर्तमान में बीएड विभाग राज्य स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य
डॉक्टर आशा मिश्रा ने अभिभावकों से अपील किया कि छात्राओं को नियमित कक्षा के लिए प्रेरित करें। कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। बीएड कोर्स में नामांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो इच्छुक हैं वह आवेदन करके यह कोर्स कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों ने कई सुझाव भी दिए। छात्राओं द्वारा अपने हाथों से बनाई गई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। मनोहरपुर प्रखंड के तिरला गांव के मैदान में 19 फरवरी को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों से कार्यक्रम में हिस्सा लेने को कहा गया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और उनकी शिकायतों को सुनने के बाद तत्काल समाधान किया जाएगा। सीआरपीएफ की 174 बटालियन और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से सारंडा के बीहड़ जंगलों में रहने वाले युवाओं को मंगलवार को पूर्ण भ्रमण के लिए भेजा गया। भ्रमण पर जाने वालों में 10 युवक और 10 युवती शामिल हैं। सीआरपीएफ के 174 बटालियन से सभी 20 युवक और युवती को तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। भ्रमण पर जाने वाले युवक और युवती बुधवार की रात्रि करीब 2 बजे चक्रधरपुर से आजाद हिंद ट्रेन से पुणे के लिए रवाना होंगे। पुणे में 26 फरवरी तक भ्रमण कर वहां के संस्कृति, खान पान, शिक्षा, रहन सहन, रोजगार से अवगत होंगे। इस दौरान पुणे के खास खास जगहों का भ्रमण भी करेंगे। सीआरपीएफ के द्वितीय सहायक कमांडेंट एसआर रमन ने कहा कि सीआरपीएफ शांति और सुरक्षा का नाम है, यह लोगों में सुरक्षा का भाव देता है। उन्होंने कहा कि सारंडा के बीहड़ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण गांव से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिनके कारण वे देश दुनिया के परिवेश से बिल्कुल कटे रहते हैं। वैसे बच्चों को नेहरू युवा केंद्र और सीआरपीएफ की 174 बटालियन की ओर से देश भ्रमण करवाया जा रहा है, ताकि देश भ्रमण कर वहां के परिवेश से परिचित हो सकें। भ्रमण के दौरान मिलने वाले लोगों को यहां की संस्कृति के बारे में जानकारी दे सके और वहां की संस्कृति को भी सीख सकें। भ्रमण कर लौटने के बाद गांव वालों को वहां की संस्कृति के बारे में बताएं, ताकि ग्रामीण बाहरी दुनिया के बारे में भी जान सकें। उन्होंने कहा कि युवा युवती के भ्रमण का सार्थक पहल सामने आया है, इससे नक्सलवाद की जड़ें कमजोर होंगी। भ्रमण कर लौटे बच्चे बाहर के परिवेश को देखकर काफी प्रभावित हुए हैं। उनके द्वारा रोजगार के साधन खोले गए हैं। बीते बार रेलवे की भर्ती में 2 बच्चे का चयन हुआ है। चयनित बच्चों ने कहा कि रेलवे देश को जोड़ने का साधन है। इस बल जहां भी तैनात रहा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है शांति और सुरक्षा का नाम है। हम एक तरफ जो है जहां सशस्त्र ड्यूटी कर करके लोगों में सुरक्षा का भाव देते हैं, साथ में ये भी ये ध्यान रखते हैं कि आसपास के जन की संस्कृति और जन का विकास हो। इसी का तथ्य के साथ जो है हम लोगों ने जो है नेहरू युवा केंद्र के साथ जो जंगल के बच्चे हैं, जिन्होंने आज तक ट्रेन नहीं देखी है, जिन्होंने दुनिया में जो है कहीं बाहर नहीं गए हैं, जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा था, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर नहीं देखा था, इसी क्रम में हम लोग इन बच्चों के जो कहीं बाहर नहीं गए थे उनको पूना दिखा रहे हैं, ताकि वो यहाँ की संस्कृति का, यहाँ का जो छऊ नृत्य है उसका भी प्रचार करें, यहाँ की जो संस्कृति लोगों को बताएं, और साथ में जो पूना में वो जाके सीखे कि लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से व्यवसाय करते हैं, लोगों के खाने का क्या संस्कृति है। इसी तहत के ये प्रयास किया गया है और इसका बड़ा ही सार्थक परिणाम आया है। जो इस नक्सलवाद को खत्म करने में इसे क्या सहायक सिद्ध होगा? नक्सलवाद जो है इससे काफी जो है उनकी जड़ें कमजोर हुई हैं। ये बच्चे जो पहले गए हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए और कई बच्चों ने रोजगार के नए नए संसाधन खोल लिए। और पिछली बार जो है भर्ती में जो रेलवे की भर्ती थी उसमें जो है इस जो नेहरू युवा केंद्र और सीआरपीएफ के माध्यम से बच्चे गए थे उसमें 2 बच्चों का जो है रेलवे में चयन भी हुआ। और उन्होंने कहा, बताया भी कि हम जब बाहर गए तो हमें ये लगा कि रेलवे देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये इस तरह से ये धीरे धीरे जो है नक्सलवाद की जड़ों को कमजोर करता जाएगा और आने वाले दिनों में सारंडा उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा जितना ही देश के अन्य क्षेत्र शांत। क्या करने जा रहे तुम? नेहरू युवा
केंद्र संगठन की ओर से। कहाँ जा रहे हैं? पूना महाराष्ट्र। सर मुन्ना खंडेर नाम है मेरा, मैं नंदपुर का रहने वाला हूँ। मनकपुर मेरा क्या बोलते हैं स्टेशन पड़ता है सर। सर हम लोग क्या बोलते हैं पूना जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं हम लोग टूर में। तेज बोल रहा है। कैसा लग रहा तुमको? बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आके, फर्स्ट बार आए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। कभी बाहर गया हो घूमने? नहीं सर, वैसे नहीं गया थे। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अभी? घूमने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है बाहर जाते थे? अच्छा लग रहा है। इससे पहले कहीं घूमे हैं आप? नहीं घूमे हैं। चैबासा आए हैं? नहीं। चैबासा भी नहीं आए? नहीं, आज जाते आ रहे हैं। देखा गाँव से है, मुझे बहुत खुशी फील हो रहा है। कहाँ जा रही है तुम? पूना। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।